वेल दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हो तो आपको तो विंडो की के बारे में पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि विंडो की का क्या यूज़ है तो आप सिंपल सा जवाब दोगे कि विंडो की का यूज़ हम अपने प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं। बट क्या आपको पता है कि विंडो की के साथ हम और अपनी डिफरेंट की को ऐड करके उसका शॉर्टकट बना के, विंडो की शॉर्टकट या फिर विंडो की कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप, ये की शॉर्टकट बना के हम अपने वर्क को और कितने शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं और बिना माउस की मदद से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप विंडो की के साथ कॉम्बिनेशन बना के, विंडो की शॉर्टकट के साथ आप अपने वर्क को कितना आसान बना सकते हो और बिना माउस की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाओगे इस विंडो की शॉर्टकट को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो टेक्निकल मार्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस सीरियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस सीरियल नंबर की मदद से आप अपने कोई भी प्रोग्राम को जो कि आपके टास्क बार में पिन है उसको बहुत आसानी से ओपन कर सकते हो। विंडो की के साथ जो भी सीरियल नंबर कीज प्रेस करोगे वो उसके थ्रू आपके जो टास्क बार में जो प्रोग्राम पिन है सीरियल वाइज नंबर से, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज नंबर से जो पिन है प्रोग्राम, ये आपको सीरियल वाइज ओपन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने विंडो प्लस वन किया, यहाँ पे जैसे मैं विंडो प्लस वन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। तो ये हमारा सीरियल नंबर वन पे है, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सीरियल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, आप विंडो की के साथ इसका यूज़ करके आपके टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम पिन हैं उसे आप ओपन कर सकते हो सीरियल नंबर वाइज, ठीक है। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक। और दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस ई। जी दोस्तों, विंडो प्लस ई की मदद से आप अपने माई कंप्यूटर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्ट ऑन कर पाओगे और आप अपना उसमें डेटा सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम लोग सारा डेटा अपने माई कंप्यूटर में ही रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विंडो ई प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा फाइल एक्सप्लोरर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी डेटा है, हम सारे डेटा को अपने ड्राइव में ही सेव रखते हैं, तो आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हो विंडो प्लस ई की मदद से और अपने डेटा को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज है। अब हमारा जो अगला विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो आर। जी हाँ दोस्तों, विंडो आर की मदद से आप अपने कोई से भी प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर विंडो आर किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक रन मोड ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर अपना कोई सा भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एमएस पेंट है तो मैं इसे एंटर करता हूँ यहाँ पे, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर कर दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हो रन मोड की मदद से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको विंडो आर अप्लाई करना है और आपका जो भी प्रोग्राम है उसे आपने डायरेक्टली इस पर रन कर देना है। और हमारा नेक्स्ट जो विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है हमारा विंडो प्लस आई। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस आई से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को ऑन कर सकते हो और जो सेटिंग्स को आप चेंज करना है जिसको भी आप उसे चेंज कर सकते हो विंडो आई की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप विंडो की सेटिंग आ चुकी है। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पे प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो भी करना है या फिर अपना यूज़र नेम चेंज करना है, पासवर्ड लगाना है, सिक्योरिटी अपडेट्स जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस करने हैं वो आप इस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है हमारा विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन की मदद से आप अपने कंप्यूटर में कोई सा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस स्क्रीनशॉट को आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। वो आपका स्क्रीनशॉट पिक्चर में जाके सेव हो जाता है। से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्रोम ओपन कर लिया, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन करूँगा यहाँ पर। तो इसका जो भी प्रिंट स्क्रीन होगा वो आपको पिक्चर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे पिक्चर में स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो ये हमने भी कैप्चर किया था तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है शॉर्टकट के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस डी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने विंडो पर काम कर रहे हो, अपने पीसी पर काम कर रहे हो और आपने बहुत सारी विंडो को एक्टिव किया हुआ है और आप चाहते हो कि आपकी विंडो एक बार में मिनिमाइज हो जाए, तो वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना होता है विंडो प्लस डी, जिसकी मदद से आपके सिस्टम पे जितने भी विंडो एक्टिव है वो मिनिमाइज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने इस 3-4 विंडो को ओपन कर लिया, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन्स जो हैं ये हमारी ओपन हो चुकी है।
और हमें इसे एक बार में मिनिमाइज करना है। तो आप कैसे मिनिमाइज करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, माउस से एक एक करके इसे मिनिमाइज करोगे। बट इसका जो विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है उसकी मदद से आप एक बार में इसको, आपकी जितनी भी एक्टिव विंडो है उसे आप डायरेक्टली एक बार में मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि देखो विंडो प्लस डी, तो ये डायरेक्टली मिनिमाइज हो गया एक बार में ही, हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम दोबारा से ओपन हो जाए, मतलब दोबारा से स्क्रीन हमारी विंडो जैसी थी वैसे आ जाए, तो आपको सिर्फ फिर दोबारा विंडो डी करना है, तो फिर वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस एल। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस एल की मदद से आप अपने कंप्यूटर में जो भी आप वर्क कर रहे हो, आपके सिस्टम पे जो भी एक्टिव विंडो है, आप उसे डायरेक्टली साइन आउट कर सकते हो। और आप अपना जो वर्क कर रहे हो, आपका जो वर्क है वो एज इट इज़ सेम रहेगा, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना पड़ गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से और आप चाहते हो कि मेरा जो वर्क है वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो आप विंडो प्लस एल शॉर्टकट यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को साइन आउट कर सकते हो और आप फिर उसे बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो विंडो प्लस एल करने से आपका जो प्रोग्राम है वो साइन आउट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो भी ओपन है, मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप इसे ओपन करके फिर से आपका जो वर्क है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों। और हमारा जो नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है हमारा विंडो प्लस एरोस की। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस एरोस की, इसकी मदद से आप अपने जो आपकी एक्टिव विंडो है आप उसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट, अप एंड डाउन, आपको जहाँ पे शिफ्ट करना है आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारी एक्टिव विंडो है आप इसे बिना माउस की मदद से लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए या फिर राइट में शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर शिफ्ट कर दीजिए या फिर नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे यार इसे मैं बिना माउस की मदद से कैसे इधर उधर शिफ्ट करूँ। आप क्या करोगे कि आप इसकी विंडो पे सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसे राइट में ऐसे ले जाओगे या फिर लेफ्ट में ऐसे ले जाओगे। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं कहूँ कि इसे विंडो की बिना माउस के इसे आप लेफ्ट एंड राइट में शिफ्ट करो, तो आप कैसे कर पाओगे? तो यहीं पे हमारा विंडो की के साथ जो एरो कीज है वो हमारी यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है, वो काफ़ी काम आती है। यहाँ पे आपकी विंडो को ये राइट में शिफ्ट कर सकती है, लेफ्ट में शिफ्ट कर सकती है, अप एंड डाउन, आपको जहाँ पे भी शिफ्ट करना है आप बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे प्रेस किया विंडो प्लस राइट एरो, तो ये हमारी विंडो राइट में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी विंडो नीचे शिफ्ट हो जाए डाउन में, तो आपको विंडो प्लस नीचे वाला जो डाउन एरो है उसे प्रेस करना है। तो देखिए हमारा विंडो नीचे डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारी विंडो राइट में शिफ्ट हो जाए, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, तो विंडो प्लस आपको लेफ्ट वाली की प्रेस करनी है। तो ये देखिए हमारी विंडो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। अगर आपको इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो विंडो की के साथ आप अप वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप अपनी एक्टिव विंडो को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, राइट में, अप एंड डाउन, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। और हमारा जो नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस टैब। जी हाँ दोस्तों, आपके टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम है अगर आपको किसी दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना है तो वह विंडो टैब की मदद से और एरो कीज को यूज़ करके सिंपली अपने अपने प्रोग्राम को स्विच कर सकते हो दूसरे प्रोग्राम में। तो यहीं पे दोस्तों हमारा काम आता है विंडो प्लस टैब। जी हाँ दोस्तों, आप विंडो टैब करेंगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम ओपन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से एरो की के साथ आपको जिस पे शिफ्ट करना है आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूनिक ट्रिक है दोस्तों, विंडो की के साथ विंडो प्लस टैब, तो आप अपने प्रोग्राम को अपने किसी भी दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हो बहुत आसानी से। और जो हमारा नेक्स्ट विंडो की के साथ शॉर्टकट आता है वो आता है विंडो प्लस और माइनस। जी हाँ दोस्तों, विंडो प्लस और माइनस की मदद से आप अपने जो आपका जो विंडो स्क्रीन है आप उसे मैग्नीफायर कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो विंडो प्लस और माइनस की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो प्लस प्रेस करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जूम हो चुका है काफ़ी, और विंडो माइनस करोगे तो ये अपने आप मैग्नीफायर होगा, माइनस से ये कम होगा प्लस से बढ़ेगा। जैसे विंडो प्लस करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो जूम हो रहा है और विंडो माइनस से ये जूमिंग कम हो रही है। ठीक है, तो विंडो प्लस और माइनस से आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को मैग्नीफायर कर सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ विंडो की शॉर्टकट। जी हाँ दोस्तों,
जो कि हम विंडो की के साथ और डिफरेंट की को ऐड करके एक शॉर्टकट बना के अपने वर्क को और एडवांस तरीके से कर सकते हैं और बिना माउस की मदद से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।